नागपुर हलचल में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं नागपुर के विविध हलचल पर। महामेट्रो के प्रबंध निदेशक डॉक्टर ब्रजेश दीक्षित ने कहा कि महामेट्रो अपने काम की गुणवत्ता के लिए शहरवासियों के बीच जानी जाती है और इसके अधिकारियों और कर्मचारियों को इस छवि को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। वे मेट्रो भवन सभागार में आयोजित क्वालिटी कॉन्क्लेव 2021 के दौरान महामेट्रो के अधिकारियों, उसके सामान्य सलाहकार और उसके ठेकेदारों को संबोधित कर रहे थे। संगोष्ठी पूरे दिन चली। डॉक्टर दीक्षित ने कहा कि मेट्रो अधिकारी आसान काम करने के लिए नहीं बल्कि सबसे कठिन काम को पूरा करने के लिए होते हैं। कोई भी आसान काम कर सकता है, लेकिन जब आप मुश्किल काम करते हैं तो यह आपके लिए एक पहचान बनाता है। महामेट्रो अपनी गुणवत्ता के लिए जानी जाती है और यही इसकी छवि बन गई है। दीक्षित ने जोर देकर कहा कि महामेट्रो के सभी कार्य बेहतरीन गुणवत्ता के हैं। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को गुणवत्ता संबंधी सभी सुझावों को गंभीरता से लेने की सलाह दी। एक छोटी सी गलती भी दूसरों को पूरे प्रोजेक्ट की आलोचना करने का मौका देती है। अगर आपको एक भी गलती मिलती है तो आपको तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले के आदेशानुसार नागपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व विधायक विकास ठाकरे के मार्गदर्शन में तथा मध्य नागपुर ब्लॉक अध्यक्ष युवा नेता मोतीराम मोहाड़ीकर के नेतृत्व में व प्रभाग 20 के नगर सेवक रमेश पुणेकर की प्रमुख उपस्थिति में किसान के हक के लिए बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ते पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर, आम लोगों को होने वाली परेशानी, जनता के ऊपर बढ़ती महंगाई का बोझ समझ के परे होने से आम जनता में गुस्सा फूट रहा है। आम जनता को न्याय मिलना चाहिए, उसके लिए कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष मोतीराम मोहाड़ीकर ने उनके निवास स्थान से भारत माता चौक पर माल्यार्पण करके गोलीबार चौक, भारत माता चौक, मस्कासाद, इतवारी शहीद चौक तथा सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए महारैली का आयोजन किया गया। इस महारैली में प्रमुख रूप से पूर्व उप महापौर अन्नाजी राउत, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव कमलेश समर्थ, नगर सेवक जुल्फिकार अहमद भुट्टो, गणेश साहू, मध्य नागपुर महिला अध्यक्ष श्रीमती गीता जलगांवकर, हरीशचंद नाइक, कृष्णा गोटाफोड़े, अशोक निखाड़े, राजाभाऊ चिलाटे, अभय रणदीवे, रवि गाड़गे, रवि कौर, अज्जू हजारे सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्तागण इस रैली में सहभागी हुए। नागपुर महानगर पालिका द्वारा देशपांडे लेआउट बगीचा का सौंदर्यीकरण पूरा होने पर भी जनता के लिए अभी तक नहीं खोला गया। देशपांडे लेआउट जन समस्या निवारण समिति ने नागपुर महानगर पालिका 20 अगस्त 2021 को पत्र द्वारा यह बगीचा आम नागरिक के लिए खोले जाने की मांग मनपा आयुक्त से की थी। मनपा ने 30 अगस्त 2021 को जवाब में काम पूरा होने पर भी 2 महीने बाद खोलने की बात कही है। पेड़ पौधे के 2 महीने में विकसित का बहाना बनाकर यह बगीचा बंद रखा है, जिससे स्थानीय निवासियों में काफी रोष है। समिति के अध्यक्ष विनोद कोचर, मनोज अग्रवाल, डॉक्टर अर्जुन भोजवानी, मनोज पुरोहित, संजय जायसवाल, विशाल द्विवेदी, प्रतीक पालान, के एन हरीश, श्रीमती उमा नाथानी, अनिल त्रिपाठी, राजीव पुरी, गिरीश मुल्तानी, श्रीमती वाई एन जोशी, शेखर जायसवाल, अमित कावड़े, अमित जयपुरिया आदि ने यह बगीचा जल्द से जल्द चालू करने की मांग की है। मानव सेवा में समर्पित समर्पण सेवा समिति मेडिकल बैंक द्वारा पिछले अनेक वर्षों से मेडिकल बैंक चलाया जा रहा है, जिसमें मरीज को घर पर लगने वाले सामान, पलंग, व्हीलचेयर, वॉकर, वॉकिंग स्टिक, एयरबेड आदि वस्तुओं को संस्था द्वारा उपयोग हेतु निशुल्क दिया जाता है तथा उपयोग के बाद उसे पुनः मेडिकल बैंक में जमा करवाना होता है। ऐसे में संस्था द्वारा कई जरूरतमंदों की सहायता होती है। एक नई संकल्पना के साथ संस्था द्वारा एक निशुल्क एम्बुलेंस जनता के लिए चलाने का निर्णय संस्था द्वारा लिया गया एवं उसकी तत्काल बुकिंग जयका मोटर्स में की गई है। आने वाले नवरात्रि पर्व में उसका लोकार्पण कर जनता के लिए निशुल्क चालू किया जाएगा। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष विधायक गिरीश व्यास, सचिव नरेश जुम्मानी, कोषाध्यक्ष दिनेश मोतियानी, तुलसी हरियानी, रोशन खंडवानी, महेश ग्वालानी, लक्ष्मण रामर खयानी, महेंद्र कटारिया, किशोर पाटिल, मनोज तिवारी, अजय टक्कामोरे आदि सदस्य प्रमुख रूप से उपस्थित थे। संस्था के अध्यक्ष गिरीश व्यास ने इस कार्य हेतु मदद के लिए सभी से निवेदन किया है। इच्छुक व्यक्ति संस्था के नाम से योगदान दे सकता है। ग्रीन एंड क्लीन फाउंडेशन द्वारा जोगी साखरा में जवाहरलाल नेहरू कनिष्ठ उच्च माध्यमिक विद्यालय तहसील आरमोरी जिला गढ़चिरौली में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में निःशुल्क नेत्र जांच, चश्मे वितरण, निःशुल्क मोतिया बिंदु, शस्त्रक्रिया, दवाइयां, खून जांच, मास्क वितरित किए गए। आदिवासी जनता के लिए लिए गए शिविर का 1100 लोगों ने लाभ लिया। जोगी साकरा, रामपुर, अतरंजी, सालमारा, पातरगोटा, परसगांव, आस्टा कासवी गांव की जनता ने शिविर को प्रतिसाद देते हुए स्वास्थ्य जांच कराकर चिकित्सकों से परामर्श लिया। शिविर में 256 लोगों को चश्मे दिए गए, साथ ही 132 लोगों की मोतियाबिंदु की शस्त्रक्रिया 1 से 7 अक्टूबर को महात्मे नेत्र पेटी रुग्णालय में किए जाएंगे। शिविर में डॉक्टर अब्दुल खान, डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल, डॉक्टर अरविंद अलोने, डॉक्टर मीनाक्षी शेलोकर, डॉक्टर पिंकी शेंडे, डॉक्टर चिकले ने सेवाएं दी। गुरु नानक सोशल ट्रस्ट के अध्यक्ष हीरा मोटवानी, किशन मोटवानी और जवाहरलाल नेहरू विद्यालय के प्राचार्य कृष्णा खरखटे का योगदान प्राप्त हुआ। दवाइयों के लिए एजी एनवीरो इंफ्रा नागपुर का सहकार्य मिला। इस कार्यक्रम में काले, रवलीन सिंह खुराना, विजय पुनियानी का सहकार्य मिला। ग्रीन एंड क्लीन फाउंडेशन के फाउंडर संदीप मानकर, उमेश हेडाऊ आदि ने सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वच्छता पखवाड़ा अभियान के अंतर्गत मंगलवार को दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल द्वारा स्वच्छ नीर दिवस मनाया गया, जिसके तहत मंडल रेल प्रबंधक मनिंदर उप्पल के मार्गदर्शन में अधिकारियों व रेल कर्मियों द्वारा मंडल के स्टेशनों, रेलवे परिसरों, रेलवे कॉलोनियों में पानी के आपूर्ति के स्रोतों, वाटर टैप, ट्रेनों के भीतर पानी की व्यवस्था, वाटर प्लांट्स, वाटर कूलरों की व्यवस्था आदि का गहन निरीक्षण किया गया तथा इनके आसपास स्वच्छता रहे यह सुनिश्चित किया। इसके अलावा पानी के टैंकों की सफाई व स्टेशनों के विभिन्न स्थान जैसे प्रतीक्षालय, विश्राम गृह, प्लेटफॉर्म आदि के अतिरिक्त ट्रेनों में पीने योग्य पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। पीने के पानी की मानक गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु पानी के नमूने की जांच की। स्टेशनों तथा रेलगाड़ियों में भी गहन अभियान चलाकर स्वच्छ तथा शुद्ध पेयजल यात्रियों को उपलब्ध हो सके व बोतल बंद पेयजल निर्धारित मूल्य पर बेचा जाए, इस पर विशेष ध्यान दिया गया। मंडल रेल प्रबंधक मनिंदर उप्पल ने सभी संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों को निरंतर तरीके से स्टेशनों तथा रेलगाड़ियों में यात्रियों को पीने योग्य पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शहीद भगत सिंह जयंती एवं राजाराम मोहन रॉय पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में सोमवार और मंगलवार को ऑनलाइन लोक नृत्य भारत भारती का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में 5 राज्यों के 70 लोक कलाकारों ने विविध पारंपरिक लोक नृत्यों की रंगारंग प्रस्तुतियां दी। इस कार्यक्रम का 406 से अधिक दर्शकों ने आनंद उठाया। इस कार्यक्रम के माध्यम से शहीद भगत सिंह एवं राजाराम मोहन रॉय को नमन किया गया। इस अवसर पर महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध शाहिर अवधूत विभूते ने शहीद भगत सिंह एवं राजाराम मोहन रॉय पर वीर रस से ओतप्रोत पोवाड़ा प्रस्तुत किया। सोमवार को शाहिर अवधूत विभूते एवं समूह द्वारा पोवाड़ा गायन महाराष्ट्र, रवि कुनेर एवं समूह द्वारा भांगड़ा पंजाब, अनिल कोलेकर एवं समूह द्वारा धनगरी गजा महाराष्ट्र, पतिराम मार्को एवं समूह द्वारा सैला नृत्य मध्य प्रदेश, श्यामा सुंदरा राव एवं समूह द्वारा थपेटा गुल्लू आंध्र प्रदेश, RS महेंद्र यादव एवं समूह द्वारा माथुरी नृत्य तेलंगाना की रंगारंग प्रस्तुतियां दी। सोमवार को शाहिर अवधूत विभूते एवं समूह द्वारा पोवाड़ा गायन महाराष्ट्र, रवि कुनेर एवं समूह द्वारा भांगड़ा पंजाब की प्रस्तुतियां दी। महमूदा शिक्षण व महिला ग्रामीण विकास बहुउद्देशीय संस्था द्वारा संचालित सेंट्रल इंडिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में शहीद भगत सिंह की जयंती मनाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अनीस अहमद, उन्नति फाउंडेशन के अध्यक्ष अतुल कोटेचा, डॉक्टर SM राजन, डॉक्टर स्वाति राउत, डॉक्टर सीमा चिखले और डॉक्टर यास्मीन सिद्दीकी उपस्थित थे। डॉक्टर अनीस अहमद ने अपने भाषण में कहा कि पूरा देश आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की जयंती मना रहा है। देश में क्रांति लाने के मजबूत इरादों से अंग्रेजों के शासन को झकझोर कर रख देने वाले क्रांतिकारी नौजवान को आज एक कृतज्ञ राष्ट्र याद कर रहा है। डॉक्टर SM राजन ने अपने भाषण में कहा कि आजादी की लड़ाई में भगत सिंह का योगदान बहुत बड़ा है। उस समय में वह सभी नौजवानों के लिए यूथ आइकॉन में जो उन्हें देश के लिए कुछ कर गुजरने और देश के प्रति अपना योगदान प्रदान करने की प्रेरणा देते हैं। आज के युवाओं ने उनसे प्रेरणा लेकर राष्ट्र विकास में योगदान देना चाहिए। इस कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर दुर्गा इंगले और आभार प्रदर्शन प्रोफेसर शबाना अंजुम ने किया।
सूर्यनगर स्थित लता मंगेशकर गार्डन में शहीद भगत सिंह जयंती मनाई गई। स्थानीय नगर सेवक व पूर्व सभापति मनपा स्थायी समिति प्रदीप पोहाने ने भगत सिंह की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर दिलियो सिंह सूर्यवंशी, अरुण हरोडे, गंगाधर कैकड़े, रामकुमार बंशापाल आदि उपस्थित थे। महापौर दयाशंकर तिवारी ने शहर में गीतांजलि चौक से गांधी सागर तालाब रोड तक जरूरी जमीन अधिग्रहण का काम तत्काल पूरा करने के निर्देश दिए। इस संबंध में मंगलवार को छत्रपति शिवाजी महाराज प्रशासनिक भवन स्थित कमिश्नर हॉल में बैठक हुई। बैठक में महापौर दयाशंकर तिवारी, डिप्टी मेयर मनीषा धावड़े, सत्तारूढ़ दल के नेता अविनाश ठाकरे, मनपा आयुक्त राधा कृष्णन बी, निगम सचिव डॉक्टर रंजना लाड़े, निगम के मुख्य अभियंता प्रदीप खवाले, अधीक्षक अभियंता अजय पोहेकर, सहायक निदेशक नगर नियोजन हर्षल गेडाम, गांधीबाग जोन के सहायक आयुक्त अशोक पाटिल, कार्यपालक अभियंता धनंजय मेंधुलकर, उप समाहर्ता हेमा बधे उपस्थित थे। गीतांजलि चौक से गांधी सागर झील तक की सड़क नागरिकों की सुविधा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इससे कई लोगों को राहत मिलेगी। यह कहते हुए महापौर ने बताया कि भूमि अधिग्रहण को लेकर उन्हें कुछ नागरिकों की सहमति मिल गई है। महापौर से प्राप्त सहमति पत्रों के संबंध में निगम के भू अभिलेख कार्यालय एवं नगर नियोजन विभाग को समन्वय से आवश्यक कार्यवाही करें। ऐसे निर्देश मनपा आयुक्त राधा कृष्णन बी ने संबंधित विभागों को दिए। सरकारी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल चंद्रपुर में कार्यरत चिकित्सा बोर्ड कार्यालय के वरिष्ठ सहायक शेख सलीम शेख मौलाना 50 के एंटी करप्शन ब्यूरो ने 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई मंगलवार को की गई। आरोपी के खिलाफ चंद्रपुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता अपने परिवार के साथ सिंदेवाही में निवास करता है और पढ़ाई कर रहा है। उसके पिता डाक विभाग में वरिष्ठ पोस्टमास्टर थे। उन्हें पक्षाघात होने के बाद मेडिकल दृष्टि से वे नौकरी करने के लिए अपात्र साबित हुए और नवंबर 2019 में उन्होंने वरिष्ठ पोस्टर मास्टर पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी। इसके बाद उन्हें मिल रही पेंशन में से 40% पेंशन शासन को बेचने के इरादे में उन्होंने डाक अधीक्षक प्रधान डाक कार्यालय चंद्रपुर को आवेदन दिया था। उक्त कार्यालय से शिकायतकर्ता के पिता को शारीरिक विकलांगता होने से उनकी चिकित्सा जांच करने आवश्यक होने की जानकारी दी गई थी। उसके अनुसार मेडिकल परीक्षण किए जाने के बाद सभी दस्तावेज और मेडिकल फॉर्म भरकर उस फॉर्म पर अध्यक्ष चिकित्सा बोर्ड के हस्ताक्षर लेने के लिए शेख सलीम शेख मौलाना ने शिकायतकर्ता से 50,000 रुपए रिश्वत की मांग की। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति ने मंगलवार को संपूर्ण विदर्भ क्षेत्र में 100 से अधिक जिला व तहसील स्थलों पर नागपुर करार की होली जलाकर महाराष्ट्र सरकार का निषेध करते हुए स्वतंत्र विदर्भ राज्य की मांग बुलंद की। नागपुर के इतवारी शहीद चौक स्थित विदर्भ चंडिका देवस्थान के समक्ष हुए मुख्य प्रदर्शन में वीआरएस के संयोजक राम नेवले ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार ने स्वतंत्र विदर्भ के लिए हुए आश्वासन का पालन करना चाहिए। मंगलवार की दोपहर को विदर्भ राज्य आंदोलन समिति नागपुर शहर की ओर से विदर्भ चंडिका देवस्थान शहीद चौक नागपुर में नागपुर करार की होली जलाई गई। इस अवसर पर फ्रांस के युवा प्रदेशाध्यक्ष मुकेश मासूरकर ने कहा कि विदर्भ की सभी समस्याएं हल करना हो तो स्वतंत्र विदर्भ राज्य का गठन ही एकमात्र उपाय है। इस आंदोलन में तात्या साहिब मत्ते, रेखा निमजे, सुनीता येरने, ज्योति खांडेकर, वीना भोयर, गुलाबराव धांडे, नरेश निमजे, गणेश शर्मा, राजेंद्र सतई, चंद्रशेखर बदुकले, अशोक पाटिल, रविन्द्र भामोड़े, अनिल केशरवानी, विजय मौंदेकर, प्रकाश कुंटे, रामभाव कावड़कर, कर्नल सिंह दिग्वा, आशाताई खोड़े, उषा लांबट, सुनील रोहने, माधुरी चौहान, प्रदीप देशपांडे, शोभा येवले, हरिभाऊ पानबुडे, अरुण कावले, नितिन अवस्थी, सुभाष चौधरी आदि अनेक कार्यकर्तागण उपस्थित थे। विधायक गिरीश व्यास ने नागपुर मेडिकल कॉलेज में 100 बेड का कैंसर अस्पताल स्थापित करने की मांग की है ताकि चंद्रपुर, गढ़चिरौली, मेलघाट, गोंदिया, भंडारा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से यहां आने वाले गरीब मरीजों का इलाज आसान हो सके। इस संबंध में नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष मनोज कुमार सूर्यवंशी को विधायक गिरीश व्यास ने एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि यह कार्य त्वरित पूर्ण करने के लिए सरकार से सतत मांग करें, साथ ही पालक मंत्री से भी इस मुद्दे की ओर ध्यान देने की मांग की गई है ताकि यह योजना जल्द से जल्द पूरी हो सके।
नागपुर जिला परिषद के उपचुनाव के सिलसिले में चुनाव प्रचार अभियान पर निकले मंत्री सुनील केदार ने कहा कि मौदा विधानसभा क्षेत्र मेरा दत्तक निर्वाचन क्षेत्र है, इसलिए इस निर्वाचन क्षेत्र में विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं होगी। चुनाव अभियान के दौरे के दौरान केदार ने कामटी तालुका के कापसी, महालगांव, लिहगांव, गडा, नेरी और कोट, गुमथला, नेरी, भोरी, मोहाली, गौरी, धर्मपुटी, धर्मपुरी, रेवरल और मंगली तेली गांव का दौरा किया और वहां के लोगों को संबोधित कर कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगे। केदार ने कहा कि कामटी मौदा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले गांवों में जिला परिषद के माध्यम से कई विकास कार्य किए गए हैं। कुछ दिन पहले पंचायत समिति ने मौदा में स्थानीय निर्माताओं के साथ बैठक कर स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे, इसलिए स्थानीय युवा रोजगार के लिए प्रयास करते रहेंगे। केदार ने कहा कि सरकार निकट भविष्य में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से स्थानीय महिलाओं को रोजगार देने की योजनाओं को लागू करेगी। इस अवसर पर पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष सुरेश भोयर, जिला परिषद अध्यक्ष तापेश्वर वैद्य, सरपंच एवं स्थानीय कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे। लकड़गंज थाना अंतर्गत चिंतेश्वर परिसर में हुई 21 लाख की लूट की वारदात से हवाला कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। इस घटना के बाद शहर के हवाला कारोबारी अंडरग्राउंड हो गए हैं। प्रकरण की जांच में जुटी लकड़गंज पुलिस ने इस मामले में अभी तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक कमलेश शाह की कुरियर कंपनी में सुरक्षा रक्षक का काम करने वाला रूपला लिल्हारे है। बताया जाता है कि लिल्हारे ने ही आरोपियों को लूट की टीप दी थी। शनिवार को ही इस मामले में पुलिस ने तांडापेट निवासी व्यंकटेश उर्फ गोलू कोहाड़ 22 को गिरफ्तार किया था। हालांकि लूट की पूरी योजना बनाने वाला मुख्य आरोपी विवेक बारापात्रे अब भी गिरफ्त में नहीं आया है। शनिवार की शाम कंपनी में काम करने वाले रमन पटेल दुपहिया वाहन की डिक्की में 21 लाख रुपए रखकर कंपनी के मैनेजर रोहित पटेल के छापरू नगर स्थित निवास स्थान पर जा रहे थे। उसी समय 3 आरोपियों ने चाकू की नोक पर गाड़ी सहित रकम लूट ली। शुरुआत से ही लकड़गंज पुलिस को इस मामले में किसी करीबी व्यक्ति द्वारा टिप देकर वारदात को अंजाम दिए जाने का संदेह था। वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर 1 अक्टूबर भारतीय स्वतंत्रता की अमृत वर्षगांठ के अवसर पर नागपुर महानगर पालिका, नागपुर स्मार्ट सिटी और नागपुर के वरिष्ठ नागरिक परिषद द्वारा संयुक्त रूप से शहर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस बारे में विस्तृत जानकारी मंगलवार को महापौर दयाशंकर तिवारी ने दी। वे मनपा मुख्यालय के डॉक्टर पंजाबराव देशमुख स्मृति सभागृह में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में बोल रहे थे। सुपर 75 वरिष्ठ नागरिकों को 1 अक्टूबर को शाम 5 बजे रेशमबाग के कवि सुरेश भट्ट हॉल में सम्मानित किया जाएगा। सम्मानित होने वालों में स्वतंत्रता सेनानी, सरकारी पुरस्कार विजेता, वरिष्ठ कलाकार, सेना के दिग्गज, सेवानिवृत्त अधिकारी, खेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले वरिष्ठ नागरिक और साहित्य, समाज, चिकित्सा और पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान देने वाले वरिष्ठ नागरिक शामिल होंगे। रामनगर के छत्रपति शिवाजी उद्यान में सुबह 7 बजे सूर्य नमस्कार प्रतियोगिता होगी। दोपहर 3:30 बजे बुजुर्गों के लिए गीत और मनोरंजन का कार्यक्रम होगा। इस दिन मनपा ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए बस फ्री राइड डे घोषित किया है। पूरे दिन के लिए वरिष्ठ नागरिक कार्ड धारकों को सिटी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा होगी। इसके अलावा इस दिन वरिष्ठ नागरिक मुफ्त में नागपुर की यात्रा कर सकेंगे। नागपुर महानगर पालिका के उपद्रव खोजी दल ने मंगलवार को 2 दुकान प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की और 8,000 का जुर्माना वसूला। टीम ने 47 प्रतिष्ठानों और मंगल कार्यालयों का निरीक्षण किया। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी के निर्देशानुसार और उपद्रव खोजी दल के प्रमुख वीर सेन तांबे के मार्गदर्शन में मनपा की टीमों ने यह कार्रवाई की। वर्ष के सितंबर महीने को ब्लड कैंसर सर्वाइवर मंथ के रूप में चिन्हित किया है। इस अवसर पर HCG कैंसर सेंटर नागपुर ने ब्लड कैंसर सर्वाइवर्स मीट का आयोजन किया, जिसमें HCG कैंसर सेंटर में इलाज करवाकर कैंसर के खिलाफ लड़ाई जीतने वाले 75 से अधिक ब्लड कैंसर रोगियों ने अच्छी तरह से भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन सम्मानित अतिथि डॉक्टर विंकी रुगवानी, उपाध्यक्ष MMC, प्रेसिडेंट थैलेसीमिया सोसाइटी, डॉक्टर अजय मेहता, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट
और निदेशक HCG कैंसर सेंटर डॉक्टर निषाद धाकाटे, सलाहकार हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर की उपस्थिति में किया गया। राहुल अरोड़ा सलाहकार हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट और वेंकटेश्वर मारपाका मुख्य परिचालन अधिकारी HCG कैंसर केंद्र कैंसर योद्धाओं ने उपचार के दौरान अपने अनुभव साझा किए और देखभाल करने वालों के प्रति आभार व्यक्त किया। डॉक्टर निषाद धाकाटे हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट ने ब्लड कैंसर के रोगों और उसके उपचार के बारे में जानकारी दी। अस्पताल ने कैंसर योद्धाओं को कैंसर नायकों के रूप में सम्मानित करके उनका आभार व्यक्त किया। HCG कैंसर सेंटर की हेमटो ऑन्कोलॉजी टीम का मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि द्वारा अभिनंदन धन्यवाद ज्ञापन करते हुए वेंकटेश्वर लू मारपाका ने कहा कि HCG कैंसर सेंटर क्षेत्र के रोगियों को घरेलू वातावरण में विश्व स्तरीय उपचार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। नागपुर महानगर पालिका के उपद्रव खोजी दल ने मंगलवार को बगैर मास्क के घूमने वाले 23 गैर जिम्मेदार नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई की और उनमें से प्रत्येक से 500 रुपए के अनुसार 11,500 रुपए का जुर्माना वसूला। पिछले कुछ महीनों में मनपा की टीमों ने 40,616 नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई की और अब तक 1,86,00,000 रुपए से अधिक राशि का जुर्माना वसूला है। शहर में मामले कम जरूर हुए हैं, लेकिन कोरोना वायरस से संक्रमण का खतरा अब भी नहीं टला है। अब भी अनेक जगहों पर नागरिक सामाजिक दूरी के नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। शहरी हिस्सों में बगैर मास्क के नागरिक खुलेआम बाजारों जैसी जगहों पर घूमते हुए नजर आते हैं, जो खतरनाक साबित हो सकती है। इसके चलते उपद्रव खोजी दल द्वारा इस प्रकार के गैर जिम्मेदार नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ऐसी हरकतों से वे खुद के तथा खुद के परिजनों के स्वास्थ्य के साथ साथ समाज और शहर के लोगों के स्वास्थ्य को भी खतरे में डाल रहे हैं। मंगलवार को मनपा NDS टीम ने लक्ष्मीनगर जोन के अंतर्गत 1, धर्मपेट जोन अंतर्गत 10 और अन्य जोनों के अंतर्गत 12 नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई की है। आज 18 प्लस और 45 प्लस आयु वर्ग के सभी नागरिकों का कोविशील्ड का टीकाकरण नागपुर महानगर पालिका केंद्रों के साथ ही सरकारी केंद्रों पर भी होगा। टीकाकरण का समय शाम के 5 बजे तक होगा। चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय चीलकर ने बताया कि टीकाकरण के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से पंजीकरण किया जा सकता है। इसी तरह ड्राइव इन वैक्सीनेशन केंद्रों पर भी 18 वर्ष और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोविशील्ड के जरिए टीकाकरण किया जाएगा। इसी तरह 18 प्लस और 45 प्लस आयु वर्ग के नागरिकों के लिए कोवैक्सीन का पहला और दूसरा डोज मेडिकल कॉलेज डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अस्पताल कामटी रोड व स्वर्गीय प्रभाकर दट के मनपा महाल रोग निदान केंद्र एम्स आइसोलेशन अस्पताल इमामबाड़ा इंदिरा गांधी अस्पताल गांधीनगर मनपा स्त्री अस्पताल पांच पावली और प्रगति हॉल दिघोरी में उपलब्ध है। तो नागपुर हलचल में आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए VKB न्यूज़। नमस्कार।